नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 21 अप्रैल को रांची में इंडी गठबंधन की महारैली की तैयारी तेज। मुंबई और दिल्ली में महारैली करने के बाद अब शक्ति प्रदर्शन के लिए भाजपा विरोधी इंडी नेताओं का जमावड़ा 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची में होगा। इसमें कांग्रेस, राजद और आम आदमी पार्टी समेत 28 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता भाजपा व केंद्र सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका नाम न्याय उलगुलान महारैली दिया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक शामिल होंगे। महारैली का केंद्र बिंदु पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। वहीं INDIA के दिग्गज नेता मंच से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने महारैली की तैयारी का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। इस सिलसिले में वह जहां कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रही है, वहीं गठबंधन दलों के नेताओं के साथ समन्वय का भी कार्य आरंभ किया है। पति की अनुपस्थिति में सारा दारोमदार कल्पना सोरेन पर है। झारखंड मौसम में बदलाव, 12 अप्रैल तक बारिश के आसार। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 8 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और वर्षा होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 12 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। राजधानी में 8 अप्रैल को हल्के बादल छाए रह सकते हैं, वहीं गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं 9 और 11 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 10 और 11 अप्रैल को हल्की बारिश का अनुमान किया गया। 9 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी, 10 को दक्षिणी तथा मध्य में बारिश का अनुमान है। वहीं 11 अप्रैल को भी राज्य के दक्षिणी हिस्से में बारिश का अनुमान है। थाना में रखे गांजा भांग खा गए झारखंड के चूहे। झारखंड के चूहे भांग और गांजा के शौकीन हो गए हैं। धनबाद जिले के एक थाना में रखे 10 किलोग्राम भांग और 9 किलोग्राम गांजा को पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। कोर्ट को पुलिस ने बताया कि जब्त करके मालखाने में रखे 10 किलो भांग और 9 किलो गांजे को चूहे ने नष्ट कर दिया है। बता दें, मामला धनबाद जिले के रागगंज थाने से जुड़ा है। केस से जुड़े एक वकील ने मीडिया को बताया कि अदालत ने रागगंज थाने के प्रभारी अधिकारी को 6 साल पहले जब्त किए गए 10 किलो भांग और 9 केजी गांजा को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। इस पर पुलिस ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राम शर्मा को शनिवार को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में अधिकारी ने दावा किया है कि चूहे ने थाने के मालखाने में रखे मादक पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रिपोर्ट देने वाले पुलिस अधिकारी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि इस संबंध में थाने में सान्हा दर्ज किया गया था। गुमला में उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के डुक्को सिकवार गांव के ग्रामीणों ने TSPC उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट होकर हरवे हथियार उठा लिया है। साथ ही बंद कराए गए पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। ग्रामीणों ने उग्रवादियों को चेताते हुए कहा है कि अब अगर गाँव के विकास के काम में बाधा पहुँचाए तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। दरअसल TSPC उग्रवादियों ने गुरुवार की शाम कोयल नदी पर 6 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का निर्माण कार्य बंद करा दिया था। साथ ही 1 घंटे तक मजदूरों को बंधक बनाकर रखा था। उग्रवादियों का कहना था कि जब तक लेवी की राशि नहीं मिलेगी निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। वहीं इस घटना की जानकारी जब शुक्रवार को ग्रामीणों को हुई तो पूरे गाँव में डुगडुगी बजाकर लोगों को शनिवार को पुल निर्माण स्थल पर जुटने का आह्वान किया गया। झारखंड में 3000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर, WHO के अनुसार कम। झारखंड में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ डॉक्टर की भारी कमी है। देश की तुलना में झारखंड अब भी काफ़ी पीछे है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, वहीं झारखंड में 3000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मानक के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार के अनुसार पहले की तुलना में राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, आधारभूत संरचनाएँ भी बढ़ाई गई है, लेकिन चुनौती बरकरार है। बता दें, झारखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाकों तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई। डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों में पदस्थापित तो किया जाता है, लेकिन वे या तो अस्पताल नहीं जाते या फिर नौकरी ही छोड़ देते हैं। वहीं 3300 से ज़्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र केवल नर्सों के भरोसे चल रहे हैं। बोकारो में स्मॉल फाइनेंस कंपनी पर महिलाओं से 30 लाख ठगी का आरोप। झारखंड के बोकारो के स्मॉल फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ये मामला बोकारो रेलवे फाटक के समीप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं से जुड़ा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार एक महिला समूह की टीम लीडर जहीरा बेगम ने समूह की महिलाओं के नाम पर 25 से 30 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। महिलाओं को जानकारी तब हुई जब स्मॉल फाइनेंस कंपनी के अधिकारी रकम की रिकवरी के लिए पहुंचे। इस संबंध में पीड़िताओं ने बौलीडीह थाना में आवेदन देकर जाँच की मांग की है। बता दें, पीड़ित महिलाओं और परिजनों ने बताया है कि जहीरा बेगम ने महिलाओं को बताया कि उनके नाम पर लोन स्वीकृत हुआ है। देवघर में कंटेनर पलटने से 30 मवेशियों की मौत। झारखंड के देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्गाबनी गांव के समीप मवेशियों से लदा कंटेनर पलट गया। इसमें कंटेनर में लदे 30 से अधिक मवेशी मर गए। यह हादसा मिश्रा डी बीरमाटी चित्रा मुख्य पथ के पास हुई है। ग्रामीणों के अनुसार सारठ की ओर से कंटेनर तेज रफ्तार से जा रहा था। गश्ती दल को देखते ही तेज गति से भागने के चक्कर में चालक का संतुलन खो गया और कंटेनर पलट गया। सुबह के करीब 5 बजे पुलिस ने 2 JCB मंगवाकर कंटेनर सीधा करवाया। कंटेनर बाहर से पूरी तरह सील था। इस मामले में पुलिस ने बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन मवेशियों को बांग्लादेश में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति मामला, 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट लटकने से टीचर परेशान। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्लस टू हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा के 4 विषयों का तो अंतिम परिणाम जारी किया गया, जबकि 7 विषयों का परिणाम लटक गया है। 4 विषयों में अनुशंसित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र भी मिल गए तथा शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान भी दे दिया। वहीं 7 विषयों के अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच होने के बाद भी अंतिम परिणाम जारी होने से परेशान है। आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 4 विषयों भूगोल, भौतिक, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषय का अंतिम परिणाम जारी किया। वहीं स्कूली शिक्षा एवं संस्कार विभाग ने अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया। दूसरी तरफ हिंदी, संस्कृत, वाणिज्य, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा गणित विषय का अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। चुनाव में मफलर, टोपी, धोती, साड़ी भी आएंगे खर्च के दायरे में। चुनावी सभाओं और रैलियों में पार्टियां बड़े पैमाने पर मफलर, टोपी आदि भी बांटती है। भारत निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस पर भी कड़ी नज़र रखने को कहा है। इन सामग्रियों के वितरण पर रोक तो नहीं है, लेकिन ये खर्च के दायरे में आएंगे। आयोग ने इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया है। आयोग के अनुसार जब किसी चुनावी सभा या रैली में बांटने वाले मफलर और टोपी में पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह है तो उस पर होने वाले खर्च पार्टी के खाते से जुड़ेगा। यदि उन पर प्रत्याशी का नाम या फोटो है तो उस पर हुए खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। आयोग ने चुनाव के दौरान टी शर्ट के वितरण पर रोक लगाते हुए इस पर कड़ाई से नज़र रखने को कहा। वहीं टी शर्ट के साथ साथ साड़ी, कमीज, धोती, लुंगी आदि के वितरण पर सख्ती मनाही है। सर्दी, खांसी और बुखार है तो करें फोन। झारखंड सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। शहर में गर्मी लगातार बढ़ रही है, अस्पताल मरीजों से पटा हुआ है। सबसे अधिक सर्दी, खांसी, बुखार और लू से संबंधित मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इन समस्या का समाधान आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपको बुखार हो या फिर सर्दी, खांसी, दस्त या फिर अन्य मौसमी बीमारी तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे 104 नंबर पर फोन करें। यह झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर है। इस पर फोन करते ही आपका नाम, पता और बीमारी के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद डॉक्टर आपकी बातचीत करेंगे और सभी लक्षण व जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर दवा व उसे कैसे खाना है इससे संबंधित जारी पहुंच जाएगी। फ्रिज और टीवी के बिल ने बढ़ाई हेमंत सोरेन की टेंशन। बड़गाई अंचल के अंतर्गत बरियातू रोड की विवादित 8.86 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश मामले में आरोपित रहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य पर दाखिल चार्जशीट के साथ ईडी ने फ्रिज व स्मार्ट टीवी का GST बिल भी लगाया है। उक्त बिल विवादित जमीन के कैरेक्टर संतोष मुंडा से संबंधित है। स्मार्ट टीवी जहाँ संतोष मुंडा की बेटी खुशबू मुंडा और खुशबू पाहन के नाम पर है, वहीं फ्रिज का बिल संतोष मुंडा की बेटे रोहित मुंडा के नाम पर है। बिल पर इनका पता भी लालू खटाल के समीप शांति नगर नेशनल पब्लिक स्कूल के समीप बरियातू बताया गया है। झामुमो ने सीता सोरेन को दिया बहुत सम्मान। चुनावी मैदान में रिश्ता नहीं, बसंत सोरेन। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे पुत्र और राज्य के मंत्री बसंत सोरेन ने अपनी भाभी सीता सोरेन पर प्रहार किया है। रविवार को वे जामताड़ा पहुंचे थे जहाँ उन्होंने दुमका लोकसभा सीट को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान उन्होंने दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को लेकर कहा है कि सीता सोरेन घर पर उनकी भाभी है, न कि चुनावी मैदान में। उन्होंने पार्टी और परिवार में सम्मान नहीं मिलने के आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी और परिवार ने 15 साल विधायक बनाकर सीता सोरेन को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने 3 बार उन्हें विधायक बनाया है और सम्मान देने का काम किया।
वहीं दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग पर बसंत सोरेन ने उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन खुद 3 बार यानी 15 साल से पार्टी की विधायक रही हैं, कभी सदन या सदन के बाहर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। हजारीबाग डीसी ने रामनवमी जुलूस मार्ग का किया निरीक्षण। हजारीबाग उपायुक्त नैसी सहाय की अगुवाई में प्रशासनिक अमला ने रामनवमी जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर उपायुक्त नैसी सहाय ने संबंधित पदाधिकारियों को मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की डालियाँ, अवस्थित बिजली के तार आदि को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। साथ ही जुलूस मार्गों पर बैरिकेटिंग का आकलन करते हुए रूट लाइन के सड़क किनारे रखे ईंट बालू और पत्थर को हटाने को कहा है। धनबाद कृषि बाजार में लगी आग, 8 वाहन जलकर खाक। धनबाद कृषि बाजार समिति के परिसर में रविवार की दोपहर में आग लग गई। इसमें कार समेत 8 वाहन जलकर राख हो गए। आग लगने की खबर जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, तत्काल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बता दें, कृषि बाजार समिति धनबाद रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर बरड़वा में है। कृषि बाजार समिति परिसर में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। लोगों की माने तो आगलगी की घटना करीब 1:30 बजे की है। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार में जुटे झारखंड के शीर्ष नक्सली। चाईबासा में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि चुनाव बहिष्कार के पीछे 6 नक्सली मास्टरमाइंड के रूप में काम कर रहे हैं। 6 नक्सलियों में शीर्ष नक्सली नेता अजय महतो, अपटन, चंदन लोहरा, पिंटू लोहरा, कांडे होनहांग और मोचू के नाम शामिल हैं। इन नक्सलियों के नामों की जानकारी अभियान के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को भी दी है। जानकारी के अनुसार चाईबासा पुलिस को 31 मार्च को इस बात की सूचना मिली थी कि टोटो थाना क्षेत्र के टेंसार और टेसार पुल के पास नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी, तब पुलिस ने देखा कि पोस्टर में लिखा है कि देहाती क्षेत्र के तमाम पुलिस कैंप वापस हो, नहीं तो वोट नहीं। आगे लिखा था कि चुनाव के जरिए सरकार बदल कर जनता के बुनियादी समस्या का हल नहीं होता, इसलिए संसदीय चुनाव का बहिष्कार करे। रामगढ़ के पतरातू में लटकता मिला सफाई कर्मी का शव। रामगढ़ के पतरातू में रविवार के अहले सुबह विद्युत विभाग में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत विश्वजीत राम उर्फ कालू राम 55 वर्षीय का शव काली मंदिर स्थित शमशान घाट में शेड में फंदे पर लटकता मिला। जब आसपास के लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तब शव को देखा। इसके बाद इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस और परिजनों को दी गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गई। इसके बाद क्षेत्र के मुखिया किशोर कुमार महतो, राहुल रंजन, समाज सेवी जयप्रकाश सिंह की भीड़ जुट गई। रांची के करमटोली चौक के पास हिट एंड रन का मामला, 2 की मौत। लालपुर थाना क्षेत्र के करमटोली चौक के पास एक तेज रफ्तार थार ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इस पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। थार में सवार 2 युवक और 1 युवती इस घटना के बाद गाड़ी वहीं छोड़ भाग गए। मृत युवक की पहचान गढ़वा के कांडी निवासी 27 वर्षीय अनोज कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे युवक की पहचान 25 वर्षीय अंकुश कुमार के रूप में हुई। युवक के पहचान पत्र में इसका पता काके रोड स्थित CMPDI है। घटना शनिवार रात करीब 8:30 बजे की है। स्कूटी सवार 2 युवक रांची के कांटा टोली चौक की ओर से आ रहे थे और लोकायुक्त कार्यालय के पास मुड़कर वापस करमटोली चौक की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि थार गाड़ी का चालक SSP आवास होते हुए करमटोली चौक की ओर जा रहा था। लोहरदगा में प्रधानमंत्री आवास कागज में दिखाकर राशि का हुआ भुगतान। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ी सामने आ रही है। अधूरी योजना को पूरा दिखाकर योजना से संबंधित रिकॉर्ड को बंद कर दिया है, जबकि धरातल में योजना अभी भी अधूरी है। बता दें, यह मामला लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में सामने आया है। प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है। भंडरा प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े में लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास 100% पूर्ण है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। भंडरा प्रखंड में कई लाभुकों ने महज 3 फीट ही आवास निर्माण कार्य कर अधूरा छोड़ दिया, बावजूद उनको पूरी राशि देकर आवास निर्माण योजना को पूर्ण घोषित कर दिया गया है। साहेबगंज के बरहड़वा अस्पताल में खराब हो गई लाखों की दवा। बरहड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गर्भवती महिलाओं के बीच निःशुल्क वितरण के लिए दी गई लाखों रुपए की दवा एक्सपायर हो गई है। मामला 5 साल से अधिक पुराना है, लेकिन 2 दिन पहले आसपास के लोगों को इसकी सूचना मिली है।
इसका वीडियो और फोटो भी इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। बता दें यह दवा सीएससी परिसर में निर्माणाधीन भवन के एक कमरे में रखी हुई है। दवा वहां कैसे पहुंची यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। दो दिन पूर्व वहां काम कर रहे कुछ मजदूरों ने आसपास के लोगों को इसकी तस्वीर व वीडियो उपलब्ध कराई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। बता दें पिछले साल सीएससी के रिकॉर्ड रूम में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई थी, जिसमें कई आवश्यक कागजात जल गए थे। मामले की जांच के लिए कमेटी का भी गठन किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई और न ही किसी पर कोई कार्रवाई हुई है। डालसा ने किया खुट्टी जेल में योगा। झालसा रांची के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार के मार्गदर्शन में रविवार को उपकार खुट्टी में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डालसा की ओर से योग सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डालसा सचिव राजश्री अर्पणा कुजूर ने कहा है कि उपकारा में रहने खाने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रांची में एनसीईआरटी की किताबें गायब। राजधानी सहित राज्य के अन्य जिलों के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत होते ही पठन पाठन का काम भी सुचारू रूप से शुरू हो गया है, लेकिन आलम यह है कि बाजार में एनसीईआरटी की किताबें ही नदारद है। बता दें बच्चों को नई किताबें नहीं मिल सकी है, बिना किताबें के ही पढ़ाई शुरू कर दी गई है। शहर में एनसीईआरटी किताबें की डिस्ट्रीब्यूशन ग्रंथ भारती, पुस्तक मंदिर और जयश्री बुक हाउस के संचालक ने बताया कि रांची में एनसीईआरटी किताबें की आपूर्ति कोलकाता से होती है। अब तक की स्थिति यह है कि नई किताबें के स्टॉक उपलब्ध ही नहीं, जबकि पुराने वर्ष की किताबें का स्टॉक केवल 30-40% ही है, लेकिन पुरानी किताबों को छात्र प्राथमिकता नहीं दे रहे, वे पुरानी किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं। सरहुल और ईद को लेकर 2000 जवानों की होगी तैनाती। झारखंड में दो बड़े पर्व सरहुल और ईद आने वाली है। अनुमान है कि 11 अप्रैल को ही ईद और सरहुल दोनों ही मनाई जाएगी। इसे देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची पुलिस व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। दोनों पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए रांची पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। काफ़ी वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि जब सरहुल और ईद एक ही दिन मनाए जाने वाले हैं। दोनों ही पर्व के लिए सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए राजधानी रांची में 2000 से ज़्यादा फोर्स की तैनाती की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त फोर्स भी तैनात करने की योजना है। केंद्रीय मंडा पूजा समिति का गठन। चुटिया के प्रगति पथ स्थित सुशीला पैलेस में रविवार को केंद्रीय मंडा पूजा समिति का गठन किया गया। समिति के मुख्य संरक्षक पद्म श्री मुकुंद नायक होंगे। संरक्षक स्वामी देवेंद्र प्रकाश मदन के श्री मनपुरन नायक को बनाया गया। अध्यक्ष राजकुमार महतो एवं महामंत्री की जिम्मेदारी उजय पासवान को मिली है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि अभी तक रांची में मंडा पूजा को लेकर कोई केंद्रीय समिति नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोग अपने स्तर पर मंडा पूजा करते थे, इसमें कई परेशानियां भी होती थी। समिति इन परेशानियों के समाधान की दिशा में काम करेगी। समिति की ओर से कहा गया है कि मंडा झारखंड की प्राचीन परम्परा और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। आदिवासी विद्यार्थियों को एक सूत्र में बांधेगा एलुमनी एसोसिएशन। संत जेवियर्स कॉलेज ट्राइबल एलुमनी एसोसिएशन की बैठक रविवार को गोसनर स्कूल परिसर में हुई। अध्यक्षता बीएसएफ के इंस्पेक्टर सजित टोपो ने की है। निर्णय लिया गया कि संत जेवियर्स कॉलेज के पूर्ववर्ती और वर्तमान में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को एक सूत्र में बांधा जाएगा। साथ ही एसोसिएशन आदिवासियों की जमीन, भाषा, संस्कृति, रोजगार, व्यवसाय तथा नशा के दुष्परिणाम आदि मुद्दों पर काम करेगा। इसके माध्यम से आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि जल्द ही एसोसिएशन की सदस्यता के लिए अभियान चलाया जाएगा। इससे पूर्व बैठक की शुरुआत गोसनर हाई स्कूल के प्रभारी प्रधान अध्यापक कुलदीप गुड़िया के संबोधन से हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी का वादा करेंगे पूरा नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में एनडीए की रैली में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करेंगे। नीतीश ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा है कि 2005 से पहले बिहार में क्या हाल था ये किसी से छिपा नहीं है। पति पत्नी की सरकार ने बिहार का क्या हाल किया था, शाम ढलते लोग परेशान और भयभीत हो जाया करते थे। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को 2005 से पूर्व की बात जरूर बताएं। 2005 में सरकार बनने के बाद हमने बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।